लांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तमनमामि शनेश्वरम ओम शनिश्वराय नमः। आज हम लोग जानने वाले हैं 29 अप्रैल को जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि मकर राशि से जाने वाला है कुंभ राशि में। इसके लिए कुंभ राशि से जब वो भ्रमण करेगा तो धनु राशि का 7.5 वर्ष की जो 7.5 साथी है वो निकल जाने वाली है। धनु राशि के लोगों को शनि के 7.5 साथी से मुक्ति मिलेगी। जैसे 7.5 साथी होती है उसी प्रकार से ढैया भी माना जाता है। अभी विशेष रूप से मिथुन राशि को और तुला राशि को जो ढैया था वो भी खत्म हो गया है। अब ये ढैया आने वाला है कर्क राशि को और वृश्चिक राशि को। तो विशेष रूप से कर्क राशि के लोगों को अपने राशि के ऊपर जो 7.5 साथी का प्रभाव, ये ढैया का जो प्रभाव आने वाला है, इससे बचने के लिए दैनिक रूप में ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। हो सके तो शनिवार के दिन आपको शनि भगवान के मंदिर में जाके तिल के तेल का दान भी करना है। अब जैसे ये ढैया वृश्चिक राशि पे भी आने वाला है, वृश्चिक राशि के लोगों को धन की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मानसिक रूप में पीड़ा हो सकती है। यदि आप किसी बड़े काम के बारे में सोच रहे हो तो वहां पे थोड़ी सी अड़चने आ सकती है। यदि इन सब दिक्कतों से आप बाहर निकलना चाहते हो तो दैनिक रूप में ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और निश्चिंत होकर शनि भगवान का हर शनिवार दर्शन करें। निश्चिंत शनिदेव आपके ऊपर आने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्त करेंगे। अब ये 7.5 साथी विशेष रूप से मीन राशि पे भी आने वाली है, तो मीन राशि के जातकों को भी कोई बड़े काम करने के पहले अच्छे ज्योतियों से अच्छे ज्योतिषियों से आपको मार्गदर्शन लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। निश्चिंत इससे आपके ऊपर आने वाले 7.5 साथी का प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शनि के 7.5 साथी में आपको काली वस्तुओं का दान करना विशेष लाभदायी होता है। काली वस्तु में काली कंघी, काली चप्पल, काला टी शर्ट, काला जींस, किसी भी प्रकार का काला छाता आप यदि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान के स्वरूप में देते हो तो निश्चिंत शनि महाराज आपके ऊपर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आने देते। शास्त्र में ये प्रमाण भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर 7.5 साथी आती है उन लोगों को हनुमान जी की पूजा करने से भी 7.5 साथी से मुक्ति मिलती है। 29 अप्रैल को ये जो शनि चेंज होने वाले हैं, कम से कम 30 माह तक वो उस राशि में थे, तो उस राशि से बदल के आपके राशि में अब ये कम से कम 2.5 साल तक रहेंगे। तो ये पहला पद मीन राशि के लिए माना जाता है। तो मीन राशि के अपने स्वास्थ्य की ज्यादा सावधानी रखनी है। निश्चिंत शनि की पूजा अर्चना और भाव भक्ति से आपके ऊपर आने वाले शनि के कष्ट को आप दूर कर सकते हो। नमस्कार।